ये है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस गार्डन में शुमार है। वेस्ट मटेरियल से तकरीबन 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेकचंद जी ने 1957 में ये नेक पहल की। तकरीबन 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार कर सके। पंजाब के रहने वाले नेकचंद जी ने लोक निर्माण विभाग में सन 1951 में सड़क निरीक्षण के तौर पर काम करते हुए प्रसिद्ध सूखना झील के निकट जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके औद्योगिक और शहरी कचरे की मदद से वहां एक बगीचा सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू कराया था, जिसे आज हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। इस गार्डन का उद्घाटन तकरीबन 1976 में किया गया था। चंडीगढ़ के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे रॉक गार्डन तैयार किए जाते हैं। टूटे फूटे खराब सामान से तैयार नायाब रॉक गार्डन ने पूरी दुनिया पर प्रभाव छेड़ते हुए एक अनूठा संदेश दिया है। इसके बाद वॉशिंगटन, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, पेरिस जैसे बहुत सारे शहरों में मिनी गार्डन यानी कि रॉक गार्डन बनाए गए। नेकचंद जी के नाम पर इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाई गई जो इन्हें देखती है। रॉक गार्डन के निर्माण के लिए 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से नेकचंद जी को सम्मानित किया गया था। ऐसे में वो अपने खाली समय में साइकिल पर बैठकर बेकार पड़ी चीजों जैसे ट्यूबलाइट, टूटी फूटी चूड़ियां, प्लेन प्लेट, चीनी की कप प्लेट, बोतलें और उनके ढक्कन जैसे अलग अलग तरह की बेकार चीजों को इकट्ठा करते थे और यहाँ उन्हें सेक्टर एक में जमा करते थे। वो इस कचरे से कलाकृतियां बनाया करते थे। उन्होंने अपनी सोच को आकार देने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकिल करने की योजना बनाई और फिर वो रोज रात को चुपचाप गुपचुप तरीके से साइकिल पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते थे। ये सिलसिला तकरीबन 2 दशक तक चला। आखिरकार नेकचंद की परिकल्पना ने रॉक गार्डन के रूप में आकार लिया। हालांकि उस वक्त कई राज्य नेताओं ने इस गार्डन को अवैध निर्माण बताकर गिराने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। नेकचंद जी के नेक कामों को पहचान मिली। रॉक गार्डन में आने वाले पर्यटक यहाँ की मूर्तियों, मंदिरों, महलों आदि को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। रॉक गार्डन में वाटरफॉल, पूल और घुमावदार रास्ते सहित तकरीबन 14 लुभावने चैम्बर हैं जो नवीनता और कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं। इस गार्डन में कई मूर्तियां हैं जो घर के बेकार सामानों जैसे टूटी फूटी चूड़ी, चीनी मिट्टी के बर्तन, तार, ऑटो पार्ट्स, ट्यूबलाइट से बनी हैं। घर के कचरे, खेलने की गोलियां और टेराकोटा बर्तनों को भी गार्डन में भवनीय जानवर जैसे अनेकों रूपों में प्रदर्शित किया गया है। यह अद्भुत गार्डन हर दिन सुबह 9 बजे खुल जाता है और गार्डन में झरनों और जलकुंड के अलावा ओपन थिएटर भी देखा जा सकता है। ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सूखना झील के नजदीक है। देखिए, आप जहां पर भी रॉक गार्डन में जाएंगे ना, आपको सब कुछ रॉक का ही मिलेगा। अब जैसे देखिए, ये पहिए हैं तो यहां पर भी रॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, रॉक गार्डन फॉर द वर्ल्ड और भी बहुत सारी चीजें। अब जाहिर सी बात है, यहां पर थोड़ी सी छांव की कमी है तो कुछ कुछ जगहों पे पेड़ लगाए गए हैं ऐसा, और ये शीशे में मैं ही दिख रहा हूं आपको। इस तरफ जब आप चलेंगे, यानी कि दिस वे ये तीर लगाया गया है, तो इस गली के अंदर जब आप चलेंगे तो हर जगह पत्थर है। पत्थर को काट काट के चीज़ें बनाई गई हैं। और चूंकि ये हिमाचल से लगा हुआ चंडीगढ़ है, यानी कि हिमाचल के बाद चंडीगढ़ आ जाता है, तो यहाँ पे पत्थरों की कोई कमी नहीं है क्योंकि पहाड़ का निचला स्तर है, ये मैदानी इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पत्थर काफ़ी थे ऐसा जैसे मैंने मुझे सुनने को मिला था। तो इसी पत्थरों को बीच में काट काट के थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया गया है, थोड़ा सा और अच्छा बना दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गार्डन में आपको, अब देखिए जैसे ये झरना, ये छोटे छोटे झरने हैं, अब इसको झरना ही कहेंगे। अब आप वाटरफॉल, वो बड़े वाले वाटरफॉल के बारे में तो बात ना करिए, लेकिन ये वाटरफॉल भी अगर आपको रॉक गार्डन में मिल रहा है, चंडीगढ़ में मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। और मैं गया था तकरीबन 8 मई के आसपास, तो गर्मी जो थी वो भरपूर थी। उस वक्त टेम्परेचर था 42-43 के आसपास और कुछ कुछ जगहों पे इस तरीके का टेम्परेचर था कि अगर आदमी वहाँ पे 10 मिनट खड़ा हो तो गिर जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा तो कुछ यहाँ पे जो आर्टिस्ट थे वो पेंटिंग कर रहे थे। यहाँ पे आने वाले लोगों की पेंटिंग वो लोग करते हैं और उनसे 4 पैसे उनको मिलते हैं, तो ये व्यवसाय उनका है। आई थिंक शायद रॉक गार्डन के जो हैं, जो लोग हैं, उन्होंने इनको इजाज़त दे रखी है कि आप आइए और टूरिस्टों की पेंटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो अपना जो भी चार्ज करते होंगे वो करते होंगे, मैंने उनसे चार्ज पूछा नहीं था। फिर यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सीढ़ियाँ कुछ बनी हुई हैं। अब सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पे क्या होगा, या तो लोग चढ़ जाएंगे या बैठेंगे।
तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद ये है वाटरफॉल, और यहाँ पे खूब लोग जो थे वो फोटो सेशन करा रहे थे, जो गर्मी से जो परेशान थे वो थोड़ी देर यहाँ पे आके रिलैक्स भी कर रहे थे। अब चंडीगढ़ वालों के लिए, जो लोगों जिन लोगों ने वाटरफॉल नहीं देखा है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छा पीछे पोर्ट्रेट बन जाता है जब आप इस तरीके की जगह जाते हैं। और ये देखिए ऊपर कितना अच्छा यहाँ पे बना रखा है, नेकचंद जी की नेक विचार जो थे वो यहाँ पे साफ झलकते हैं। एक आम इंसान के लिए भी एक ऐसी जगह जहाँ पे जो देखने को नहीं मिलती है हिंदुस्तान में। वैसे रॉक गार्डन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का और कोई होगा जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, और सब चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि अनसिस्टमेटिक बना होगा। सफाई भी है, आपको सफाई अगर आप गंदगी करेंगे तो आप पे जुर्माना भी है, पनिशमेंट भी है, आपको बाहर भी निकाल दिया जाएगा और आप पे फाइन भी लगाया जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके साथ कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो ये पिक्चर क्लिक करने की एक अच्छी जगह थी। अब मेरे साथ तो कोई था नहीं तो मैं पिक्चर कैसे क्लिक कराता। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, फिर मैंने देखा कि ये एक पॉन्ड टाइप का इन्होंने बना रखा है, तो जो पानी जाता है, अभी आपने देखा कि झरने से जो पानी जा रहा है उसी से ये वाले झरने से जो पानी जा रहा है यही पानी उस पॉन्ड में पॉन्ड में आ जाता है, और फिर यही सर्कुलेट होकर वापस जो जाता है। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे झरने यहाँ पर बनाए गए हैं जो आँखों को ठंडक देते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा और आगे मैं बढ़ा, तो जब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि आगे कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने के लिए। अब गलियाँ ऐसी बनी हैं तो मुझे लग रहा था रास्ता, लेकिन ये रास्ता तो यहाँ पर बंद था। फिर मैं यहाँ से घूम गया, और खैर चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हर जगह उंगली नहीं करने का। भाई ये सीढ़ी जो थी ये रॉक गार्डन का हिस्सा नहीं है, ये मेंटेनेंस वालों की थी। खैर यहाँ से आगे बढ़े और नीचे उतरे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो थे वो पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। हर जगह रॉक रॉक रॉक, मतलब रॉक। अब मैं सोच रहा था कि यार मैं पिक्चर कैसे क्लिक कराऊँ, इतनी दूर आया हूँ तो एक पिक्चर तो बनती है भाई। तो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, एक भाई से मैंने बोला कि भाई मेरी पिक्चर क्लिक कर दूँ। साथ में मेरे येलो बैग था, पानी इतना ठंडा नहीं था जो कि आपको ठंडक महसूस करा दे, लेकिन फिर भी इस गर्मी में अगर आपको इस तरीके का वाटरफॉल मिल जाता है, इस तरीके का आपको सीनरी आपको मिल जाती है, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो आँखों को सुकून तो देती ही हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा, हर तरफ जो था वो पत्थर ही पत्थर थे, चारों तरफ पत्थर, और गर्मी बे इंतहा बेतहाशा पड़ रही थी। 42 डिग्री टेम्परेचर उस वक्त का अगर था तो ये मान के चलिए कि इस रॉक गार्डन में तकरीबन 50 डिग्री का टेम्परेचर आपको फील होता, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी गर्मी तो थी, गर्मी बहुत है, बढ़ना तो था। अब रॉक गार्डन में थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि यार हर जगह पत्थर ही तो है और क्या है स्पेशल इसमें, चारों तरफ मैं जहाँ घूम के देख रहा हूँ वहाँ पत्थर, इधर जाऊँ तो पत्थर, उधर जाऊँ तो पत्थर। थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये झरने बने हुए थे, ऐसे छोटे छोटे से हट बने हुए थे जहाँ पे आप बैठ नहीं सकते थे या आप दूर से देख सकते थे, ऐसा नहीं था कि आप वहाँ जाके बैठ जाइए और गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी। खैर कोई नहीं, अब रॉक गार्डन आए थे तो घूमना तो ज़रूर था भाई, क्योंकि चंडीगढ़ रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं है और मेरा चंडीगढ़ में कोई काम भी नहीं है। खैर मेरी एक दोस्त है आरती, और मेरे कुछ और फ्रेंड भी रहते हैं वो चंडीगढ़ के ही हैं, और लेकिन मैं जब पहले आया तो उन लोगों से मिला था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं मनाली से आ रहा था, कसोल से, तो वापस मैं एक दिन के लिए चंडीगढ़ जब रुका तो रॉक गार्डन में भी चला गया, और मैंने भी सोचा कि कुछ चलो कुछ एक्स्ट्रा फुटेज लेने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसको लगा देंगे, देखेंगे आगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने कैमरा किया यहाँ पे सेट, हाँ इधर ही लेफ्ट साइड में, इन लोगों को लग रहा था कि मैं इनकी पिक्चर ले रहा हूँ, और मैं अपने एक्चुअली जाने वाली पिक्चर एक ले रहा था, वीडियो ले रहा था, और वापस फिर मैं आने वाली वीडियो ले रहा था कि जो भी मैं लगा, जो भी मुझे लगाना हो वो मैं लगा दूँ। खैर मैंने इसको कहीं लगाया नहीं, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ किया नहीं, तो ठीक था जो भी था। और ये कोई हिस्सा नहीं है, टूटे ऐसे पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो चेन टाइप के जो बना हुआ है, ये ही सब कलाकारियां हैं नेकचंद जी की, जो उनके नेक ख्याल थे,
जिससे हम लोग आज रूबरू हैं, और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस तरीके के हम लोग वीडियोस बना सकें। और फिर एक और मैंने वीडियो लेने की सोची, तो मैं आगे गया, फिर मुझे ध्यान आया कि ऐसा ना हो कि कैमरा से पीछे कोई लेके निकल जाए और मुझे पता भी ना लगे, क्योंकि कहीं सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो कुछ बहुत ज़्यादा लगे नहीं थे। और फिर मैं सोच के वहाँ से वापस आ गया। ऐसे शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे शॉट बहुत कम ले पाते हैं जब आप अकेले होते हैं, आने की जाने की। और यहाँ पे मैं कुछ कह रहा था, आप लोग सुन लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी गर्मी भाई, काफ़ी गर्मी है, 42-43 डिग्री का टेम्परेचर, और उसके बाद रॉक गार्डन जो कि आग बरसा रहा था, यकीन जानिए आग बरसा रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, आए हैं तो घूमेंगे ही। अब आ गए थे, 30 रुपए का टिकट लेके आ गए थे। आप टिकट चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो विंडो से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ये एक केव, यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी एक अलग दुनिया में पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर वही रॉक, फिर वही गार्डन, फिर वही सारी चीज़ें, फिर वही पत्थर, फिर वही पत्थर का डेकोरेशन, और फिर आप वापस निकल आएंगे उसी झरने के पास में, जहाँ से अभी आप पिक्चर लेके नीचे से जा रहे थे ना, वही आपको रास्ता अब ऊपर से लेके जाएगा। कुछ अलग सा नहीं था, लेकिन हर चीज़ इतनी अच्छी सिस्टमेटिक थी, सफाई बहुत ज़्यादा थी, लोग शांत थे, बहुत ज़्यादा शोर नहीं था, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। और जैसे मैंने फिर कहा, चंडीगढ़ रोज़ रोज़ तो आना होगा नहीं मेरा, बार बार तो आऊँगा नहीं मैं, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसे कुछ खास तो है नहीं, तो मैं फिर यहाँ से भैया घूम के तो जाएंगे जाएंगे। फिर एक तरीके की सेल्फी ले रहा था और एक अलग सा शॉट लेने की कोशिश की। मैं बोल इसलिए नहीं रहा था, मतलब रियल टाइम पे मैं कमेंट्री जैसे कि अभी कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने का आदि हूँ नहीं, तो मैंने कहा भाई इस वक्त तो मुझसे तो नहीं होगा बोलना, रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में अगर कभी वॉइस ओवर करने का मौका मिला तो देखा जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर की हो गई है आज 6 तारीख, 6 अक्टूबर 2024, और मैं गया था मई में, और आज जाके मैं अब इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसके पीछे, और कितना करूँगा अभी मुझे पता नहीं है। कृपया दीवारों पर ना लिखें, तो मैंने कुछ नहीं लिखा भाई वहाँ पर। और लोग बड़े बड़े सूट केसेस लेकर आए थे, क्योंकि ये सब जाहिर सी बात है बाहर के होंगे, कोई दिल्ली का होगा, कोई जम्मू का होगा, कोई हिमाचल का होगा, तो बाकायदा भाई साहब पूरा पूरा सूटकेस लेके लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और काफ़ी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन लोगों को। और ये जो पेड़ भी जो लगे थे ना, ये भी सब पत्थर से चारों तरफ से ढक दिए गए थे, पानी वानी जाता होगा, कुछ तरीका होता होगा, लोग पानी देते होंगे। और ये छोटे छोटे जो दिए टाइप के बनाए थे या पता नहीं क्या था एग्जैक्टली, मुझे तो नहीं मालूम, और यही रास्ता जो था वो नीचे जा रहा था, तो मैं भी इसी रास्ते के सहारे नीचे 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 चल दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जहां जाओ वहां रॉक, जहां जाओ वहां पत्थर, भाई इसी का नाम तो रॉक गार्डन था, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि रॉक गार्डन में आपको कोई ग्रीनरी मिलेगी, आपको क्या बर्फ पड़ते मिलेगी। अब चूंकि मैं आ रहा था कसोल से और मनाली से, तो मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर था 10 से 12 डिग्री का, यहां पे टेम्परेचर था तकरीबन 45-44 के आसपास का, तो ड्रास्टिकली मतलब 3 गुना ज्यादा टेम्परेचर था। और ये छोटी छोटी सी केव्स बनाई गई थी जिससे आप लोगों को निकल के आप आगे जाएंगे, और यहां से फिर आप असली रॉक गार्डन आपका शुरू होगा। वैसे रॉक गार्डन चारों तरफ ही था, कुछ ऐसा नहीं था, ये भी पौंड टाइप का था या बैठने की जगह थी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ठंड में आएंगे ना, अगर आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस 4 महीने मार्च आप छोड़ दीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अगर आप आते हैं, तो आप यकीन जानिए रॉक गार्डन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर कम होता है, पत्थर भी ठंडे होते हैं, और आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ जो छोटे छोटे वो जो चीनी मिट्टी के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं होते हैं, उससे देखिए यहाँ पर बनाया गया, और कितने सारे ढूंढे गए होंगे भाई, ये सोचने वाली बात है। और ये सब वेस्ट मटेरियल है, ऐसा नहीं कि नया लाके लगाया गया है, तो कितना ढूंढने में टाइम लगा होगा। और ये एक पेड़ था भाई, मतलब दूर दूर तक पेड़ तो नहीं थे, लेकिन एक एक दो दो जब पेड़ दिख रहे थे लोग लगे हुए, तो
हर कोई जो था वो एक कोना पकड़े बैठा हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो पेड़ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अंदर जाएंगे तो काफ़ी दूर तक आपको पानी की बोतल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा आपको। तो जो गर्मियों के दिन होते हैं वहाँ पर तो रॉक गार्डन जाहिर सी बात है पत्थर गर्म करेंगे, उसकी भी अपनी एक हीट होगी, सन की एक हीट होगी और बहुत ज़्यादा छाँव वाँव है नहीं वहाँ पर। तो इस वजह से ये पॉन्ड टाइप का बनाया गया था, क्यों बनाया गया था पता नहीं, बहरहाल अब बना दिया गया था तो बना दिया गया था, क्या कर सकते थे। आप मुझे देख रहे होंगे मैं एकदम, मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ा हुआ था, मतलब ये तो कैमरे में शायद जस्टिस नहीं कर रहा होगा, लेकिन सच बात बताऊं तो पूरा चेहरा जो था वो लाल था। और हर जगह से जाओ तो आपको झुक के जाना पड़ेगा क्योंकि केव है, बनाया इस तरीके से गया है कि इसकी हाइट जो है 4.5 से 5 फीट के आसपास। अब मैं 6 फुट का हूँ, 5 फुट 10 इंच, वैसे मैं कहता सबको हूँ कि मैं 6 फुट का हूँ, लेकिन मैं 6 फुट का हूँ नहीं, मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ। तो झुक के आपको जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी हाइट थी तकरीबन 5 फिट 4.5 फिट 5.25 फिट। फिर ये सीढ़ियाँ, ये कितने सारे रॉक लेकर आए गए होंगे, मतलब ये ऐसा नहीं है, 2 दशक का मतलब था कि 20 साल लग गए थे इस पार्क को बनाने में। और 20 साल तो जब पार्क बना था तो काफ़ी छोटे एरिए में बना था, ये तो बाद में गवर्नमेंट को अंदाज़ा हुआ कि ये एक मॉन्यूमेंट हो सकता है, एक ऐसी जगह हो सकती है जो कि बहुत फेमस होगी। और ये वही पॉन्ड है जो रॉक गार्डन के चारों तरफ फैला हुआ है, यहीं से झरनों में पानी जाता है और वो कुछ ट्यूबवेल टाइप का या कुछ तो टुल्लू टाइप का लगाए होते हैं जो झरने से जो पानी फ्लोट होता रहता है हर जगह। ये एक ऐसा एरिया था जो जहाँ पे थोड़ी सी छांव थी, और कोई ऐसा नहीं कि वहाँ मगरमच्छ टहल रहे हों आपको दिखाने के लिए। और ये भी देखिए रॉक के बने थे, सारे स्टैचूज वगैरह बनाए गए थे, ये भी रॉक का है। लेकिन ये भाई साहब जो थे ये पक्का मैं बता रहा हूँ मेरे ही उत्तर प्रदेश के होंगे जो पैर रख के जो इस पर फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको लगता है ये कूल है, तो कूल होंगे भाई अपने हिसाब से। वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे आप तो आपको जो टाइल्स हैं, जो तोड़ के टाइल्स लगाई जाती हैं, और ये एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर का मतलब है कि यहाँ पे लोग बैठते हैं, सामने कुछ पिक्चर्स वगैरह चलती हैं, मतलब जो रॉक गार्डन की होंगी या कुछ भी होगा, हो सकता है रात में होता हो या कुछ डेज में होता हो। अब भाई साहब गर्मी ने तो जान ले रखी थी, और यकीन मानिए इस वक्त तक आते आते मैं पानी की बॉटल ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से पानी मिल जाए। मुझे लगा था कि रॉक गार्डन है, इतना फेमस है, अंदर कैंटीन होगी, कुछ होगी, कैंटीन है, ऐसा नहीं कैंटीन नहीं है, कैंटीन है, लेकिन वो थोड़ी सी दूर थी। अभी यहाँ थोड़ा सा आपको बड़ा एरिया मिलेगा, थोड़ी सी छांव आपको मिल जाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन मानिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली थी। मैं तो पानी ढूंढ रहा था कि यार किसी तरीके से पानी मिल जाए, कुछ भी हो तो पानी मिल जाए थोड़ा सा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मेरा चेहरा इस वक्त तक आते आते मेरी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी थी, और मैं ढूंढ रहा था कि पानी मिल जाए। मैं सोच रहा था कि पानी लेके जाऊं, लेकिन पानी नहीं था। ये एक एरिया था जो थोड़ा सा बड़ा एरिया था। खैर यहाँ पर हम लोग चलते हैं, फोटो सेशंस हो रहे थे, बहुत सारे लोग थे, यंगस्टर्स काफ़ी आए हुए थे। यंगस्टर्स को तो एक कोना चाहिए होता है, वो पकड़ लेते हैं अपना। और ये भाई साहब कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते नज़र आए मुझको, तो मुझे लगा कोई तो कैंटीन है। ये ओ माई गॉड, ये देखिए, ये इनका आ गया मैदानी इलाका जहाँ पे आपको कैंटीन भी मिलेगी, आपको पानी भी मिलेगा, मतलब आप फ्री में भी पानी पी सकते हैं और जगहों पे भी आप जा सकते हैं। ये इलाका एक ऐसा था जहाँ पे पानी आपको मिलेगा, छांव मिलेगी, फैन लगा हुआ, तो मैंने सोचा भाई थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते वरना ज़िंदगी का हो सकता है कि आखिरी गार्डन हो मेरे लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर पत्थरों का और सारी चीज़ों का कि मुझे लग रहा था कि मैं अब बचूंगा नहीं ज़िंदा। खैर ये लगे हुए थे सरकारी नल जिसमें पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि, लेकिन इतना भी गर्म नहीं था कि पिया ना जा सके। ये यहाँ पे वॉशरूम भी काफ़ी बने हुए थे, वॉशरूम काफ़ी अच्छे थे। मैं वॉशरूम के अंदर गया नहीं था, लेकिन मैंने जो भी बाहर से देखा था वो काफ़ी अच्छा वॉशरूम बने हुए थे, साफ़ सुथरे थे, सारी चीज़ें थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो वॉशरूम और सॉरी यहाँ पे एक वो भी थे कि जो मैजिक मिरर्स नहीं होते जिसमें आपको वो लंबा छोटा दिखा देते हैं, मोटा पतला दिखा देते हैं, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे बने हुए थी। ये देखिए ये मैं हूँ, और ये यहाँ की कैफेटेरिया था, यहाँ की नहीं, यहाँ का कैफेटेरिया था।
रेट्स ठीक थे, मतलब ऐसा कुछ खास महंगा नहीं था, बहुत सस्ता भी नहीं था। पैटीज आपको 20 रुपए में मिल जाती, कोल्ड ड्रिंक आपको जो प्रिंट होता है उस रेट में मिल जाती है आपको, और काफ़ी बड़े स्केल पे बना रखा था। काफ़ी सारे यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे जिसके छाँव में लोग बैठे हुए थे। एम्फी थिएटर भी था यहाँ पे, यहाँ पे ऑडिटोरियम भी था, मतलब जो परफॉर्मेंस करना चाहिए होती होंगी परफॉर्मेंस वगैरह, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं जिस समय पे आया था उस समय तो नहीं हो रही थी। और CCTV कैमरे भी लगे थे कि अगर आप कुछ उल्टे सीधे गतिविधि करेंगे तो, यानी आपने कोई बदतमीजी की है खुदा नखास्ता किसी के लिए, या आपने कुछ कहा, तो जाहिर सी बात है आपको फिर पनिश किया जाएगा। और ये सब भी जो ऊपर आप देख रहे थे, ये पेड़ नहीं है यार, सब कुछ रॉक का बना हुआ है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नेचर, बस वो पेड़ ही हैं जो नेचर से रिलेट कर रहे थे, और पानी है जो नेचर से रिलेट कर रहा था, लेकिन पानी भी जो था वो रिसाइकिल हो रहा था और रिसर्कुलेट हो रहा था। और ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि एक मोहतरमा थी खातून, बुरख़े वाली, हमारी खाला, हमारी बहन हो सकती हैं, जो अपने हस्बैंड को बाकायदा झूला झूला रही थी, और इसमें एक नहीं थे, कई लोग थे उसमें। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी डिज़ाइंस बनाए गए थे, कलाकृतियाँ बनाई गई थी, अच्छी बैठने की जगह थी, बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। और ये भाई साहब ये देखिए, ये तो बिल्कुल मुझको प्रो मैक्स मतलब लग रहे थे, लेकिन अच्छी बात है, सबको यार एंजॉय करने का हक है, तो सब एंजॉय कर रहे थे। अब इतनी दूर पत्थरों से घिर के ये सब वापस आए थे, तो बगल वाले से तरफ मत देखिएगा, तो उनको भी एंजॉय करने का हक है। थोड़ी देर तक जब मैं झूले पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि रॉक गार्डन अकेले आके कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ आइए, आप अपने परिवार के साथ आइए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइए, आप अपनी वाइफ के साथ आइए, आप अपने बच्चों के साथ आइए, तो आपको मज़ा आएगा। मुझे इतना ख़ास तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैंने जैसे पहले भी बताया, मैं चंडीगढ़ आया हूँ तो मुझे आना था, तो इसलिए मैं आ गया था, और अब मैं बोर होने लगा था, तो मैंने एक पैटीज ले ली थी, एक एप्पल जूस ले लिया था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं थोड़ी सी अवॉइड कर रहा था उस दौरान, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और कोल्ड ड्रिंक जो थी वो आपको गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में नुकसान करती है। और फिर मैं रॉक गार्डन के बाहर आ गया और मैंने देखा कि ये भाई साहब खीरा छील रहे हैं, और खीरा गर्मी में तो एक वो होता है तोहफा, 10 रुपए का खीरा दे रहे थे, कोई महंगा नहीं था भाई। मैंने लेक देख के खाया और मज़ा आ गया खीरे में, सीरियसली बता रहा हूँ, उस खीरे में पता नहीं कौन सी बात थी। और ये एग्ज़िट था जहाँ से ये लोग देखे निकल रहे हैं, वो एंट्री जो थी वो ये थी जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो दूसरा एरिया था वो एग्ज़िट था। तो यहाँ से फिर मैंने अलविदा कहा, क्योंकि रॉक गार्डन में और कुछ नहीं था, वहाँ से आप जाएंगे आप एग्ज़िट कर जाएंगे, और कुछ ख़ास रॉक गार्डन में अभी फ़िलहाल तो मुझे देखने को नहीं मिला था। ये पार्किंग थी जहाँ पे लोग आते अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते, पार्किंग अच्छी खासी बड़ी थी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है पार्किंग इन्होंने अच्छी खासी बनाई थी। इस वक्त भी इतनी गाड़ियाँ थी, इसका मतलब है कि रॉक गार्डन में लोग आते हैं, शाम के वक्त आते होंगे, फोटोग्राफर वगैरह भाई लोग जो थे वो घूम रहे थे। फिर मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं पहुँच गया सेक्टर एच या के, ये कोई तो एक सेक्टर था जो कि मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि मार्केट प्लेस अगर आपको जाना है तो फलाना सेक्टर में आप चले जाइए। ये एक मार्केट प्लेस थी, मतलब ये तो मार्केट की शुरुआत थी। मैं फिर इसके आगे बढ़ा, फिर मैं गया, स्वागतम तो लिखा हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि मार्केट कौन सी है। हाँ सॉरी, शास्त्री मार्केट है ये, शास्त्री मार्केट मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कपड़े ये वो सारी चीज़ें बहुत कुछ मिलती हैं, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो मैं भाई हो गया।